भाई जी का घर बन रहा है, उसकी लागत आने वाली है 1 करोड़ मात्र। कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं हम? मौसा जी कैसा लग रहा है? मेरा जूसनी भी तो ये ले रखी है मौसा। नहीं है और कुछ बड़ा नहीं। गुड मॉर्निंग। जो आधा ब्लॉग था वो रात का था कल का, और मैं ना ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ आज आधा ब्लॉग। और देखो यहाँ पे बंदर आ गए, मतलब बंदरों का आतंक ना हर जगह है देखो। और पता है कल यहाँ से अंदर से बंदर वो ले गए थे। हाँ बंदर आ गए बाहर, कुछ छूटा तो नहीं है वैसे बाहर। गाइस सुबह सुबह नहीं, कल रात को आ गया था, हमारे घर आया वैक्यूम क्लीनर और मेरे चॉकलेट भी आई है। और क्या है? मोमबत्ती दिखाओ। मोमबत्ती इसमें गिफ्ट आई है। और क्या है इसमें? ये वैक्यूम क्लीनर भी हमने भी उल्टा रखा है। बंदरों के डर की वजह से ना सारे फूल यहाँ पे बंद किए हैं। आपका स्टॉल मेरे पास है ये दीदी, बंदरों को वो कर रही है, भगा रही है हमें। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से हल्द्वानी की ओर। आज हम जा रहे हैं ताई के घर हल्द्वानी, स्पेशल काम के लिए भी जा रहे हैं हम। वो आप क्या क्या नहीं लाए? गाइस हम निकल चुके हैं ठंडी सड़क से आगे लगाते हैं बस। वो जवाई लाल जी, वो आप कमेंट दे लोगों ने जो भावना लाल जी। तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं इनकी फूड वैन में, यहाँ तो अभी कस्टमर है। हेलो झुमरी, मेरी झुमरी यहाँ आई आगी। झुमरू सबसे हेलो बोलेगी वो। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, अब हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं अपने पति की फूड वैन से थोड़ा सा आगे निकले थे, और अभी हम जा रहे हैं ताई जी के घर को जो है भगवानपुर ब्लॉक वाली रोड में। तो आप बता सकते हैं जब अभी हम कौन सी एरिया पे हैं, हल्द्वानी की कौन सी ये लोकेशन है? अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस हम ताई जी के वहां पहुंच चुके। मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, हाँ इसको यहीं रख दो। इनका हमने डिग्गी में डाला है तीनों को। चलो चलो ठीक हो आप? बढ़िया। तो ठीक करी? बढ़िया एकदम। देखो कितनी जल्दी ले आई मैं सबको यहाँ। अच्छा चलो अब हम चल रहे हैं घर को। तो चार्जर रख दिया था ना। चलो तो ये रहा ताई जी का मकान जो बन रहा है, अभी अंदर से दिखाती हूँ आपको। ताई जी और ताऊ जी का कमरा है, ये अलमेरा और ये वॉशरूम। हाँ ये कमरे के बराबर तो ताऊ जी ने बाथरूम भी बना रखा है। मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। ये ताई जी का और ताऊ जी का कमरा। अच्छा ये किसका है का? ये हमने वो शोभा के लिए रखा है जो जिसके दो बच्चे हैं। अच्छा। नहीं अच्छा। है? हाँ। और है? मैं इसका ये किचन है।
अच्छा, और इधर देखो पूरा खाली ना पार्किंग। अच्छा पार्किंग गाइस, तो अब जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। देखो ये रहा फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से बाहर का व्यू, ये नैनीताल, नैनीताल तो क्या ही दिखेगा। इधर तो वो रेंट के पर्पज से बनाओगे ना ताई जी? ये और ये वो जो समझी है उन्हें ले रखा है किराए के लिए। ये हाँ, ये तो लग भी गए, ये लग गया, ये अगले साल वो आऊंगा। अच्छा, ये एक स्टोर रूम है, बना देंगे। ये स्टोर है? हाँ, क्या हुआ इसको, स्टोर रूम बना दे। इसका बाथरूम है, है? इसका बाथरूम, इसका हाँ। ये इसका हो गया किचन है, ये टू रूम सेट है, ये इसका बाथरूम वो है, ये टू रूम सेट है। अच्छा, बाथरूम तो बड़ा ही है यार इसका भी। ये बाथरूम है इसका। अच्छा, ये टू रूम सेट है ना। अच्छा, ये बाथरूम, ये इसका वो जगह है, इसका बाथरूम वगैरह है, ये वाले रूम बड़े है ना। वो कह रहे हैं हां अलमारी के लिए, तुझे वहां से पहले लगेगा तो उसके बाद नहीं आएगी उधर की, तो इससे बढ़िया आपको भी पाया कर यार कि बाहर हो जाए। इसका बाथरूम, ये किचन जी, हां वो उसका किचन है, और ये बाथरूम, ये दो रूम है। अच्छा, ये बहुत बड़े रूम है, उससे बड़े है ना ये 15। देखो ताई जी का घर बहुत बड़ा, 1 करोड़ की लागत में ताई जी का घर बन रहा है, उसकी लागत आने वाली है 1 करोड़ मात्र। सो गाइस, इसके बाद हम सीधा गए टेस्ट, गाड़ी ले रहे हैं हम गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके बाद हम सीधा गए टेस्ट ड्राइव पे। तो टेस्ट ड्राइव पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी हमें पसंद आती है, किस किस की हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हुंडई के शोरूम पे, और यहाँ पे देखो बहुत सारी कार थी, वैसे पसंद तो सारी आ रही थी, बट हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखी। होता है वो फॉर्मेलिटी के लिए। अच्छा अच्छा, याद इसके प्राइस में खरीद आ रही। और गाइज ये निकल चुके हम, ये तो वेन्यू है, वेन्यू का हम स्पेस तो से चेक कर रहे थे कि इसमें पीछे से कितना स्पेस है क्या है। इसके बाद हम लोग निकलते हैं एक्स्टर की टेस्ट ड्राइव पे। तो टेस्ट ड्राइव लेने हम निकल चुके हैं, और ये सनरूफ वाली है, इसका जो टॉप मॉडल है और ये सनरूफ है। तो अब हम जाते हैं टेस्ट ड्राइव लेने। तो पता है ये टेस्ट ड्राइव हम जब लेने गए थे ना, तो भैया से ज़्यादा ये बताते भैया को इसमें ये है वो है, मैंने इनको बोला कि ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पे मैक्सिमम 29 का क्लेम कर रही है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है भैया आए हैं टेस्ट ड्राइव लेने। ये वाली अच्छा है ना, पापा की गाड़ी ज्यादा अच्छी है ये बताओ। पैसे अच्छे ठहरे हैं। अरे पैसे छोड़ो यार, बताओ ना ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है आपको? सनरूफ है देखो, यहाँ पर से मुंडी निकाल के बाहर। कैसी लग रही है आपको ये? अच्छी लग रही है। पापा की? पापा की भी अच्छी है, पान लगा है। हेलो गाइस, नीचे सीख लग रहा है आपको? इसी में सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत अच्छा फीचर है। हाँ, बहुत सही चीज़ है।
क्रीम बता दो तो इंशाल्लाह अच्छा है ये अच्छा है ये गाइज वेन्यू और एक्सटर की टेस्ट ड्राइव लेके हम गए सुजुकी के शोरूम में और यहाँ पे हमें देखी ब्रेजा, तो हमने सोचा कि इसको भी अच्छे से चेक कर लेते हैं। और ये रही हिमानी, हिमानी को ये मतलब हमारी साइड की है तो यहाँ पे मिल गई थी। अभी देखो मम्मी इतना सीरियस होके सुन रही है, ऐसा लग रहा है मैं और पापा हंस रहे थे कि मम्मी कितना सीरियसली बातों को सुन रही है। उसके बाद हमने ब्रेजा के दोनों मॉडल देखे, सेकंड टॉप और उसका टॉप मॉडल। उसके बाद हम निकल चुके घर में, मिली हिमानी। हिमानी को अपने साथ मेरे सलून में देखा होगा पहले। हिमानी चल, ख्याल रखना अपना, ठीक है। और गाइज आज की सबसे अच्छी बात बताऊँ कौन सी है, मैं उसके बाद गई अपने सर के घर पे उनसे मिलने के लिए। और पता सर ने मेरे को ट्वेल्थ में पढ़ाया था, इलेवन ट्वेल्थ में, और इतनी खुशी हुई सर से मिलके, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सर से मिलके हम जा रहे हैं घर को, और ये मैम है और वो सर से थोड़ा बता रहे हैं, सर स्माइल कर रहे हैं पीछे से। मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब हम निकल चुके हैं सीधा नैनीताल को, और हम मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम कहाँ कहाँ गए थे। हम हुंडई के शोरूम गए थे, टाटा के गए थे, सुजुकी के गए थे। तो हमें ना अभी हम कंफ्यूज हैं थोड़ा, तो अगर आपकी नॉलेज में कोई अच्छी सी गाड़ी हो और हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।